साल 2023 हिंदी बेल्ट के लिए एक बड़ा साल साबित हुआ। कोरोना वायरस के बाद बॉलीवुड का बुरा वक्त शुरू हो गया था। एक के बाद एक कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से पिट रही थी, लेकिन साल 2023 इंडस्ट्री के लिए संजीवनी साबित हुई। में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं। फिर बात चाहे शाहरुख खान की पठान हो या फिर सनी देओल की गदर 2 की करें, इन फिल्मों में अपनी शानदार कमाई से बॉक्स ऑफिस का पूरा सिस्टम हिला डाला। दर्शकों की तरह से भी इन फिल्मों को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। तो चलिए IMDb की रेटिंग के अनुसार 2023 की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों पर एक नजर डालते हैं। पठान ने की खिड़की तोड़ कमाई। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने टिकट खिड़की पर जमकर कमाई की थी। इस फिल्म से शाहरुख खान ने 4 साल बाद वापसी की थी। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म में किंग खान का एक्शन अवतार देख फैंस भी हैरान रह गए थे। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कुल 1,005.3 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था। गदर 2 ने मचाया धमाल। सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की गदर 2 इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली थी। कम बजट में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने केवल घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 525 करोड़ से अधिक कारोबार कर पठान को पीछे छोड़ दिया था। तो वहीं इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 691 करोड़ के आसपास था। जवान को लेकर लोगों में दिखी अलग ही दीवानगी। इटली के निर्देशन में बनी जवान शाहरुख खान की साल की दूसरी फिल्म थी, जिसने सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली थी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने रिलीज के बाद तूफान मचा दिया था। सभी भाषाओं को मिलाकर ये फिल्म केवल भारत में ही 600 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही थी। तो वहीं इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 1160 करोड़ था। रॉकी रानी की प्रेम कहानी। रॉकी रानी की प्रेम कहानी ने तीसरे नंबर पर अपना कब्जा कर लिया है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की इस फिल्म की कुल कमाई 146.40 करोड़ रुपए है। ओह माय गॉड, सेक्स एजुकेशन पर आधारित अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओह माय गॉड को दर्शकों का खूब प्यार मिला। इस फिल्म ने कुल 149.90 करोड़ की कमाई की है। द केरला स्टोरी रही सुर्खियों में। द केरला स्टोरी की कहानी खूब सुर्खियों में रही। कम बजट में बनी इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला। तू झूठी मैं मक्का। तू झूठी मैं मक्कार में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 220.20 करोड़ रुपए रहा। लियो। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी लियो का भी इस साल दबदबा देखने को मिला। फिल्म में विजय मुख्य भूमिका में नजर आए थे। देश के साथ विदेश में फिल्म का क्रेज देखने को मिला था। इस फिल्म ने 600 करोड़ से अधिक का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। फिल्म एनिमल को दर्शकों का बेशुमार प्यार। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। लोग सभी कलाकारों की एक्टिंग की जमकर प्रशंसा कर रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है। अब तक इसने 700 करोड़ से अधिक का कारोबार कर लिया है। कोरोना वायरस के बाद बॉलीवुड का बुरा वक्त शुरू हो गया था। एक के बाद एक कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से पिट रही थी, लेकिन साल 2023 बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि जिस तरीके से साउथ मूवी का क्रेज लोगों में बढ़ने लगा था, ऐसे में 2023 ने बॉलीवुड की गिरती नैया को पार भी लगा दिया।